इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे VPL इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं VPL। इस वीडियो में मैं आपको ये होम थिएटर के अंदर आप 4440 से किस तरीके से ऑपरेट करा सकते हैं होम थिएटर को, जिसके आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास पैनल है, पैनल की जो वायरिंग है इसके अंदर किस तरीके से टांके लगे हुए हैं वो मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक बता रखा है, आप लिंक में जाके नीचे देख सकते हैं। उसी तरीके से ये होंगे, बस बैक साइड में हम 4440 लगाएंगे, 4440 की आईसी लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसकी है जो भी है ये वायरिंग वगैरह। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये लकड़ी है, आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। एक तो ये पैनल चाहिए रहेगा, ड्यूल व्यूल जैसे भी कसने हैं ये मैंने आपको एक पहली वीडियो में बता रखा है। और आपको एक ये होम थिएटर की लकड़ी चाहिए, ये इसके फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। और आपको चाहिए एक बूफर चाहिए, ये साइड बूफर वाला है, कुछ होते हैं अंदर बूफर जिसके अंदर लगा रहता है बूफर, ये साइड बूफर के लिए बूफर वाला है। और आपको एक बूफर चाहिए अगर आपके साइड बूफर, हाँ तो अगर आपके पास साइड स्पीकर है, साइड स्पीकर वाला, तो आपको जाले की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर स्पीकर के अंदर आपको एक ये तार निकाल लेनी है दो, जो कि काफी आसान है निकालनी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये पैनल था इसके मैंने बता दिया कि जैसे मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था उसी तरीके से आपको इस पैनल की तारें निकालनी है। अब आ जाते हैं ये बोर्ड पे, जैसे कि इसका ई वाला बोर्ड होता है, हालांकि इस तरीके के बोर्ड ई वाला बोर्ड है इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं ई वाला बोर्ड होता है इसका। और इसमें और इसमें अंतर है, इसे बनाना इसकी वायरिंग वगैरह थोड़ी सी अलग है, इसकी अलग है, मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी बता रखा है। इसको आप आराम से समझ भी सकते हैं बट इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। मुश्किल क्या मतलब, इतना कुछ खास मुश्किल नहीं है, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो मैं आपको, हालांकि मेन चीज़ क्या है, इसको हटा के हमें 4440 से होम थिएटर बजाना है, यही है सीन कि होम थिएटर हम 4440 आईसी से बजाएंगे इसमें। तो चलिए, उसके लिए आपको एक होम ये बोर्ड चाहिए ही चाहिए 4440 का। मैंने इसके अंदर आईसी कंडेंसर और ये 7805 ये सारा पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने इसको, और उसके बाद आप भी कंप्लीट कर सकते हैं इसको, बहुत आसान है इसको करना। उसके बाद आपको करना क्या है, ये एक बैक पट्टी है जो इसकी होम थिएटर की, इसको आपको अलग करनी है। इसमें से आपको ये बोर्ड और ये ट्रांसफार्मर अलग निकाल लेना है, 6R से छोड़ देनी है आपको। और ये बाकी जो है ऑन ऑफ स्विच ये भी इसी में ही रहेंगे, इन्हें भी आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ी करनी इसकी। तो चलिए मैं इसके अलग निकाल देता हूँ जितनी भी इसकी फालतू की चीज़ें हैं। अलग करने के बाद आपको ये लीड वीड बहुत आसान है, इसके 6RC में आप देख सकते हैं 6RC को किस तरीके से शॉर्टिंग करी गई है। तीन जो ये पॉइंट है ये दोनों आपस में शॉर्ट करे गए हैं, एक ही है और एक ही है, ये तीनों जो कि यहाँ होते हैं आउटपुट के लिए, ये दोनों चैनल एक ही करा गया है, ये और ये आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। लाइन से करनी है इसकी, जिस तरीके से तार है लाइन से, और ये तीन पॉइंट खाली छोड़ रहे हैं जो कि इनपुट होता है, ये इसे हम इनपुट करेंगे, ये आउटपुट है। यहाँ एक रोकर स्विच लगा हुआ है इस तरीके से, रोकर स्विच और ये लीड गुरमुट और ये लीड के तार हैं। तो चलिए, और इसमें हम आगे के काम कर रहे शुरू करते हैं, तो आगे की और चीज़ें जोड़ना शुरू करते हैं। आपको चाहिए एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और एक ये बोर्ड जो कि है ही हमारे पास। इस बोर्ड को हम इसके अंदर कसेंगे, देखते हैं किस तरीके से कसाया जा सकता है। तो ये रहा एक ट्रांसफार्मर, आप इसको इस तरीके से जोड़ें, ये लाल वाली वायर इधर रहे और हरी वायर इधर, ताकि ये छोटे से छोटी तार हो सके। ये बड़ी तार हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है लाल वाले की, तो आप हरी वाली तार इधर रखें। और आप इसे इस तरीके से मोड़ के देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मोड़ के आपको इसके इसके पास कसना है, कस देना है।
आप यहाँ पे कर सकते हैं इस वाले पॉइंट पे इसको बोर्ड को, हम इस वाले पॉइंट पे कसेंगे इस बोर्ड को। तो बोर्ड को कसने से पहले हम इसके अंदर कुछ चीजें जान लेते हैं। आप हम करेंगे क्या, इसमें एक जो बोर्ड है, एक बोर्ड से हम इसका बूफर चलाएंगे, इस वाले बूफर को जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये बूफर एक, ये वो सॉरी, एक आईसी से हम इसके बूफर को चलाएंगे एक आईसी से, और किसी भी एक आईसी से चला सकते हैं, लेफ्ट या राइट किसी भी से भी। एक आईसी से हम इसके बूफर को चलाएंगे और एक आईसी से बाहर जो ट्यूटर लगेगा, जो ट्यूटर के लिए करेंगे हम, बाहर जो ट्यूटर लगाते हैं उसके लिए एक आईसी यूज करेंगे और एक आईसी से बूफर चलाएंगे। तो अब करने कहा कि जिससे हम बूफर चलाएंगे उसमें तो ट्रेवल बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा और बेस बेस रहेगा खाली, बेस ट्रेवल बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा, बेस रहेगा ओनली। तो ट्रेवल बंद करने के लिए आपको करना क्या है, ये आपको ड्यूल व्यूल लगाएंगे तो आगे देख सकते हैं आप, दो ही ड्यूल है, दो तरीके के, एक वॉल्यूम है एक बेस के लिए है बस। तो हम इसमें इतना कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले इसका तो ट्रेवल जो है यहाँ से शॉर्ट कर देंगे इसको, यहाँ से शॉर्ट इन दोनों पॉइंट को जो लास्ट वाले इन्हें शॉर्ट करते ही ट्रेवल बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और जो बेस की तार है वो हम यहाँ लगा देंगे, तीनों, एक दो और तीन, तीन जो इसके बेस पे तीन पॉइंट पे लगी हुई है, तो तीन पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे। सबसे पहले इन दोनों को शॉर्ट कर देता हूँ मैं, जिससे कि ट्रेवल बिल्कुल ही इस बोर्ड का बंद हो जाएगा एक आईसी के लिए, याद रहे एक आईसी के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है अच्छी तरीके से, अब इधर का ये जो है बेस और ट्रेवल सॉरी बंद हो गया, और बेस को हम यहाँ पे दे देंगे बेस खोलने और बंद करने के लिए थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या करना है, जो दूसरा चैनल है उसमें हमें दोनों चीज़ें चालू रखनी है, बेस भी और ट्रेवल भी जो ट्यूटर में लगेगा, क्योंकि उसमें हम दोनों चीज़ें चालू रखेंगे तो उसके दोनों ही पॉइंट जैसे कि हमने यहाँ पे शॉर्ट कराया इसको, इसी तरीके से यहाँ पे हम इन दोनों को शॉर्ट ना करके यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं एक प्रिंट यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, ऐसे यहाँ पे एक प्रिंट लास्ट में आ रहा है, हमने इन दोनों को शॉर्ट करा है, यहाँ पे इन दोनों को शॉर्ट ना करके इसे शॉर्ट करेंगे इन दोनों को, जिससे कि दो ये ट्रेवल ऑन हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऑन करेंगे तो बेस ऑन हो जाएगा, शॉर्ट करने पर बेस ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसे शॉर्ट कर देते हैं हम। देख सकते हैं आप इसके मैंने दोनों ही प्रिंट शॉर्ट कर दिए हैं, जिससे कि बेस भी पूरा ऑन है और ट्रेवल भी पूरा ऑन ही है, डायरेक्ट ही एक तरीके की ऑडियो हो गई है, यहाँ से डायरेक्ट जाएगी जो कि। अब चलिए अब इसकी वायरिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसे अलग रख देते हैं हम बोर्ड को, ये जो बूफर इसके जो पैनलों की तार की वायरिंग अगर ना आपको ना समझ में आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा कि किस तरीके से आप इसकी तार को निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसमें बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये तो हो गया इसके तार, फर्स्ट ये तीन तार किस लिए, ये जाएंगे इसकी, ये जो 6RC है इसके लिए तीन तार जाएंगे। उसके बाद जो ये दो तार हैं ये हो गई 5 वोल्ट और ग्राउंड के लिए, तो इसे हम सबसे पहले 5 वोल्ट और ग्राउंड जोड़ देते हैं। तो इसमें पीले वाला ग्राउंड है और संतरी वाला 5 वोल्ट है, चलिए ऐसे ही जोड़ देते हैं हम, यहाँ से पीले वाला ग्राउंड और जो ये संतरी वाला ये 5 वोल्ट, सॉरी संतरी वाला यहाँ 5 वोल्ट जोड़ दिया हमने, पीले वाला ग्राउंड कर दिया है। अब उसके बाद कैसे है, हरा नीला और बैंगनी जो ये है ये बूफर के लिए है, हम इसे बूफर पे ही जोड़ देते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप ये देख सकते हैं हरा नीला देखिए बैंगनी तार हमने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद जो दो ये तार है ये है वॉल्यूम के लिए, जहां से ऑडियो आउट होएगी, तो ये जो दो तार बची हुई है इसको आप जोड़ेंगे
इसको आपको जोड़ना है, एक तो यहाँ पे जोड़ना है आपको और एक यहाँ पे, मतलब जहाँ से दोनों जगह से ऑडियो इन होती है वहाँ पे आपको जोड़ देना है ये चीज। ये इतना होने के बाद अब आपकी ये जो तीन तारे बची हैं ये रह गई हैं बूफर के लिए, जो कि वो सभी तीन तारे उसके ऑडियो इन के लिए रह गई है तीन तारे। तो चलिए मैं इस बोर्ड को कस देता हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से। आपको एक चीज और करनी है, दो तार लेनी है, दो तार को यहाँ जोड़ना है और इसे यहाँ से काट कट करके इतनी दूरी से, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही मैंने जोड़ दिया है। ये आईसी तक ऑडियो पहुंचाने के लिए है बस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली तार जुड़ी हुई है और यहाँ पे ये वाली तारें जुड़ी हुई है, उधर की उधर ऑडियो चली गई, इधर की इधर। आप भी इसी तरीके जोड़े, आपको अल्टी पल्टी नहीं करनी वरना फिर आपको आगे के लिए दिक्कत हो सकती है। तो जो ये वाला चैनल है वो जुड़ेगा हमारे ये जो बूफर अंदर से आ रहा है इसमें, और जो ये वाला चैनल है वो जुड़ जाएगा ये जो 6RC की हमारी इसमें। यदि फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि 6RC के ये जो तार हैं हमें वहाँ तक लेके जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो हम ऐसा करेंगे कि यहीं जोड़ देंगे 6RC के तारों को। तो हम यहाँ से चेंज कर देते हैं आपस में, यहाँ से हम पलट देते हैं इसको, ये सही रहेगा। अब जो इधर की ऑडियो थी वो इधर आ गई और जो इधर की थी वो उधर चली गई। हम यहाँ पे बूफर जोड़ देंगे और यहाँ पे 6RC की ये तीनों तारें, जैसे कि हरी वाली एक थी ग्राउंड, तो जो एक अलग चित एक अलग था हरा वाला, और बाकी ये दोनों आपस में शॉर्ट करके इसे आप यहाँ जोड़ देंगे। मैं एक बार 6RC में भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हरी वाली सबसे पीछे जुड़ी हुई है, जो जो 6RC में ये वाला प्रिंट होता है ये ग्राउंड होता है, बाकी दोनों अंदर के लेफ्ट राइट के होते हैं। मैंने लेफ्ट राइट दोनों एक ही कर दिए हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 44-40 में बजाना चाह रहे हो तो इतना करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको तीन IC लेनी पड़ेगी 44-40 की, एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए और एक बूफर के लिए, जैसे कि उसमें तीन होती हैं होम थिएटर के बोर्ड में तीन होती हैं, जैसे कि आप इसमें देखते हैं देख सकते हैं एक दो और तीन, एक लेफ्ट राइट के लिए और एक बूफर के लिए। इसमें भी आपको इसी तरीके से तीन लेनी पड़ेगी। चलिए अब बूफर जोड़ देते हैं, बूफर का एक टाका लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे, ये सब जुड़ गया है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, जिस साइड को ये बूफर है उधर साइड को ये बोर्ड नहीं जाना चाहिए, और अगर आपका ये बोर्ड थोड़ा बड़ा पड़ता है तो आप इसको किसी दूसरे एंगल से कस सकते हैं इस बोर्ड को, अगर आपको बड़ा पड़ता है तो ये बोर्ड। अब हम इसे चला के देख लेते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं किस तरीके से कितनी अच्छी आवाज आ रही है इसकी। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से आवाज आ रही है इसकी, और मैं आपको ट्यूटर भी एक बार चला के दिखा देता हूँ इसके साइड के, जो कि ये है मेरे पास।
और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूं और भी आपके नॉलेज के लिए, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।